तो दोस्तों जिनके पास जा रहे थे वो हमको लेने नहीं आ रहे हैं, वैसे आइडिया से आ गए हम। उधर ही थोड़ा साइड उधर है, वहाँ पे उनका बोल टका था। देखो प्यार और प्यार, मैं दीपा जलाल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपा जलाल ब्लॉग्स में। तो भाई साहब हम आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं भी खैरना के जस्ट इधर से सुबह सुबह अंधेरे में आए थे, घर से ब्लॉग नहीं बनाया, तो खैरना पहुँच ही गए हैं लगभग। तो वो है रानीखेत वाली नई पुल, नई पुल बनी है, तो खैरना पहुँचने वाली हूँ मैं भी। ये तो दोस्तों कहीं जाने का विचार था लेकिन घर से हमें गाड़ी नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। तो खैरना पहुंच चुके हैं, आगे कहाँ जाना है आपको दिखाएंगे, बने रहे। फिलहाल तो खैरना पहुंच ही चुके हैं, फिर जहाँ जाना है उस मंजिल पर पहुंच पाते हैं कि नहीं ये भी पता नहीं है। दो लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो आप बने रहे। तो दोस्तों भटकते भटकते काशीपुर तो पहुंच गए हैं, अब जाना है नामकरण में। अभी कहाँ है पता नहीं है, आगे को जाते रह रहे हैं। और मेरे साथ आई है माया बच्चों के लेके, तो देखते हैं आज काशीपुर में कैसा है क्या है। आप फर्स्ट चांस, मेरा भी जाना है तो मैं भी चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको भी काशीपुर का नज़ारा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे गंदी नाली दिख रही है नीचे को, और कुछ नहीं है, हवा चली है। लेकिन मौसम यहाँ शॉल वॉल ओढ़ के आए थे और स्वेटर तो पहनी है, लेकिन यहाँ बहुत गर्म हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आते आते लगभग 1 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं। ऐसे यहाँ रिक्शे उसके तो जाते हैं, पर लेकिन हमने सोचा चलो पैदल घूमते घूमते चले जाएंगे। पता नहीं था इतना धूप, इतनी धूप लगी कि बहुत ज़्यादा, तो धूप लगी है और ऐसे हवा भी चली है फुल फुल फुल, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। चलो अगर वहाँ पहुँचते हैं तो जहाँ नामकरण में जा रहे हैं, भांजा हुआ है हमारा, तो वहाँ जा रहे हैं। नामकरण तो हो गया होगा, हमें आते सुबह 4 बजे से हम आए हैं, लेकिन अभी घर नहीं पहुँचे हैं। देखते हैं नामकरण तो हो गया होगा, उनका घर भी मिलता है नहीं, कहीं यहीं से रिटर्न टिकट ऐसा भी हो सकता है, वैसे कुछ भी हो सकता है होने को, तो फिर भी देखते हैं और चलते हैं। मतलब एजुल को आप तो दोस्तों जिनके पास जा रहे थे वो हमको लेने नहीं आ रहे हैं, वैसे आइडिया से आ गए हम। उधर ही थोड़ा साइड उधर है, वहाँ पे उनका बोल टका था स्कूल का, तो उसी हिसाब से इधर को आ गए हैं। बहुत धूप लगी है तो हम छाया में थोड़ी देर बैठ गए हैं, यहाँ पे छाया हो रही है अच्छी सी। माया कह रही थोड़ी देर बैठ बैठ बल, तो हम थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तो जहाँ हमें पहुँचना था लेने के लिए तो कोई नहीं आए, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। मैं कहा आपको लेने कोई नहीं आया, रस्ते में वही कहते आ रही हूँ। तो फिलहाल पहुँच चुकी हूँ, चाय पानी हमारी हो गई है, नामकरण भी हो गया है, अब उधर हो रहे कीर्तन, तो चलिए कीर्तनों का एंजॉय करते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ठीक है सामने देखिए, इधर देखो, हां इधर देखो, इधर देखो, आए नहीं थे, बहुत भूख लगी है क्योंकि हम सुबह से आए हैं, तो फटाफट से खाना खाते हैं उसके बाद। Oh, oh, oh.
अरे वो सोबिल का दोस्तों काशीपुर से हमारी विदाई हो चुकी है। आ गए हम इधर को, मतलब उधर है उनका घर और हम आगे आ गए, जैसे जिस रस्ते कल गए थे उसी रस्ते आ गए हैं। यहाँ ऐसे हो रहा है भीड़ भड़ाका, बच्चों का स्कूल है, सारे खेत गेहूं के खेत है, यहाँ गेहूं में बाढ़ आ चुकी है, मस्त गेहूं हुए हैं और बाकी तो सारे यहाँ मकान ही। तो दोस्तों वहाँ से तो हम आ गए हैं, वहाँ वीडियो बनाने का भी नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ होता है, तो यहाँ आ गए हम चौराहे पे, यहीं से जाना है हमें हल्द्वानी को। देखते हैं हल्द्वानी की बस कब तक आती है, आना है हमारी साइड। तो फिर से बहुत वीडियो हम खाता होंगे, बोला ले लिया अच्छा वाला है। देख रही हूँ सब्जी की कैसी कैसी सब्जी आई है करके। खैना बाजार में हम पहुंच चुके हैं, बस में बैठे हुए हैं। हमारे देवर जी ने आदमी को फर्स्ट टाइम चाय पिलाई है, तो हमने पी ली चाय और बस जाने लग गई है। चलते हैं घर की ओर। हम आ गए हैं, आ गए हैं हम काशीपुर का सफर हो गया हमारा समाप्त, बस 8 किलोमीटर। हम सबने हमसे सोचा कि नहीं जाएंगे, जाके आगे भूपरी जाएंगे लेकिन हम हमारे डाक देना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा। दिमाग मेरी एक मिनट बोली थी, अगर खो जाओगे तो भाइयों से फ़ोन करना, अगर घर पहुंच जाओगे तो हमसे फ़ोन करना। तो हम किसी से फ़ोन नहीं करेंगे, हम सीधे घर ही जाएंगे। अभी देखो नहीं लाएगी ना दुर्घटना घड़ी बाबा। तो दोस्तों काशीपुर से होते हुए हम घर काशीपुर हल्द्वानी गर्म पानी से होते हुए आ गए हैं घर। घर आके मैंने चाय पी ली है और जियाजी बकरी के वाला से आ गए, उनको भी पिला दिया चाय। तो वहाँ हल्द्वानी में सब्जी सस्ती हो रही थी, तो सब्जी मंडी से हम बहुत सारी सब्जियाँ भी लाए हैं, तो हमको लेट हो गया है। और अपनी कुटिया अपनी होती है, चाहे कैसी भी हो, सज अपनी कुटिया में आती है, बाहर कितनी भी सुविधा हो लेकिन सज नहीं आती है। अभी घर आके अच्छा लग रहा है, कल से बुरा लग रहा था। तो इसी के साथ वीडियो भी इन करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मैं दीपा जलाल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।